मुझे काफी एंग्जाइटी है क्योंकि यही शो था, यही स्टेज था जब मेरी सिंधी वीडियो वायरल हुई थी और सिंधीज वर आउट देयर टू किल मी. डेथ थ्रेट्स मिल रही थी फॉर बीइंग अ वुमन एंड कॉलिंग देम, आई मीन अस, हेरी एंड हॉर्नी. तो अब सोचे गोठ में बैठा हुआ आदमी सोचता होगा, सही है हॉर्नी छाए. साई छोकरी बोल रही है, कुछ गलती होगा. हाँ साई पादर हाना से भागी के. अगर कुछ हो जाता मुझे इस होल सिनेरियो में तो मेरा नाम मशहूर हो जाता मादरे कॉमेडी के नाम से, क्योंकि हमारे मुल्क में मरने के बाद ही आपको इज्जत मिलती है. तो मेरे अलावा और द सर्कस के अलावा हर किसी ने इस सिचुएशन से कैश किया. जैसे सनम मारवी, उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई क्योंकि उनकी कोक स्टूडियो में आजकल दुकान नहीं चल रही. मैंगो बाज, क्योंकि वो हर सिचुएशन में कैसे पीछे रह सकते हैं. फिर एक अंकल जो कनाडा में बैठ के वीडियो बनाई उन्होंने कि सिंधी गांव हॉर्नी हेरी होते हैं, आपने मैक्सिकन नहीं देखे. टर्न्स आउट अंकल वाज मैरिड टू अ मैक्सिकन. तो आई वाज ट्रेंडिंग ऑन गूगल, आई मेड इट टू सिंधी न्यूज़पेपर काविश एंटरटेनमेंट सेक्शन में दीपिका और कटरीना के बीच में. आई थिंक ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, लोगों ने मुझे कहा तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, तो मैं अंडरग्राउंड हो गई और मैं वाकई मैक्सिको चली गई. फॉर रियल, अंकल की वजह से नहीं, मैं वाकई चली गई. तो ऑल इंक्लूसिव 5-स्टार रिजॉर्ट में बैठ के मैंने अपने लाइफ के बारे में सोचा. जकूजी में बैठ के मैंने ग्रेप्स खाते हुए अपने हेटर्स के बारे में सोचा. आई वॉज सो लॉस्ट इन मैक्सिको दैट आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी, आई मीन माई आईडी कार्ड. अगर अब नतालिया के नाम से एक ड्रग कार्टेल मशहूर हो जाते वो मैं नहीं हूँ. उसके अलावा क्या हुआ, या सो आई वेंट टू अमेरिका. वहाँ पर मैंने जब लोगों को अपने सिचुएशन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे मशहूर कर दिया सिंधी सेलिब्रिटी रेफ्यूजी के नाम से. आई गेस ये सना मारवी का ख्वाब था. फिर मुझे पता चला फटो में मेरी वीडियो इस्तेमाल की गई है. आई मीन गाइज, वॉट हैपन टू ट्रेडिशनल चंबे. अब सोचे लड़के एक दूसरे को क्या कहते हैं, इधर आ तुझे नतालिया की वीडियो कराता हूँ. सोचे फटे का माहौल तैयार है, अब उनका लीडर कहता है चल नतालिया की वीडियो लोड कर. अब सोचे ऐसे में बेचारे का 3G ना चल रहा हो तो फिर तो बेचारा पिट गया. तो व्हाट ऑल वेंट डाउन, बट आई थिंक द गुड साइड ऑफ ऑल दैट वाज दैट आई हैव समथिंग टू लाफ अबाउट नाउ. मेरी वजह से चेजअप के सेल्स को बूस्ट मिल गया एंड आई एम सो कॉन्ट्रोवर्शियल नाउ कि मैं पॉलिटिशियन बन सकती हूँ आराम से.